तो आप सभी को वही केपी जे स्टार की तरफ से जय। तो आज की बात करने बोले यहाँ पे एसएससी जीडी के बारे में, तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सबने अपनी जो आंसर की है वो यहाँ पे चेक कर ली होगी और आप सबको पता चल गया होगा कि आपके यहाँ पे कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जिनके नंबर यहाँ पे कम है, तो आप सबको बता दूं कि आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे आपके जो नंबर है वो यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, किसी को 5 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, किसी के 10 नंबर तक बढ़ेंगे और किसी के 15 नंबर तक बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट यानी कि आज शाम को कटअप के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं कि किस स्टेट के अंदर कितना जो कटअप है वो यहां पर जाएगा फिजिकल के लिए, तो उससे पहले आप सबने क्या करना है, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके अपनी स्टेट का नाम और आपके कितने नंबर है हमें जरूर यहां पर कमेंट करके आपने बताना है, ताकि हम शाम को एक कटअप के ऊपर वीडियो बना सके और आपको बता सके कि फिजिकल के लिए आपका कितना जो कटअप है वो यहां पे जाएगा। तो अब बात करते हैं कि फ्री के नंबरों के बारे में। आप सभी सोच रहे होंगे कि यार केपी जे स्टार क्या बोल रहा है, किसी को 5 नंबर फ्री मिलेंगे, किसी को 10 मिलेंगे, किसी को 15 मिलेंगे, ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, ये बिल्कुल सच है। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, जब रिजल्ट आया था, किसी के 5 नंबर बढ़ गए, किसी के 15 नंबर तक भी बढ़े। ये चीज रियलिटी है, मैं आपको सच बोल रहा हूं। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में आपकी फर्स्ट शिफ्ट होती है, सेकेंड होती है, थर्ड होती है। कई बार क्या होता है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आते हैं और किसी शिफ्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आते हैं। जो शिफ्ट बिल्कुल इजी होती है उन कैंडिडेट के जो नंबर है वो यहां पे नहीं बढ़ते, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन जो शिफ्ट यहां पे बिल्कुल टफ रहती है, उस शिफ्ट में क्या होता है, किसी के 5 नंबर बढ़ जाते हैं। अगर उससे भी ज्यादा टफ शिफ्ट रहती है तो 10 नंबर तक बढ़ जाते हैं। अगर उससे भी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टफ शिफ्ट रहती है, उसमें लगभग यहां पर 15 से 18 नंबर भाई बढ़ते हैं कैंडिडेट के, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन एक शर्त है कि शिफ्ट अगर आपकी टफ है तो आपके भाई 10 से 15 नंबर आपके बढ़ेंगे, जो चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। इसके अलावा एक और यहां पे मैं आपको बता दूं, एक और तरीका होता है जिससे आपके नंबर बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो उस समय आपको क्वेश्चन आता है और नीचे आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया होता है, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं आपको पता है उनमें से आपको एक को यहां पे चुनना होता है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन 4ों में से एक भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होता, आप खुद यार कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, यार ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक भी यार करेक्ट आंसर नहीं है, सही करें तो करें किसको। कई बार क्या होता है, कुछ मेरे जैसे होते हैं जो भाई तुक्का मार के चलो आ जाते हैं, सोचते हैं यार छोड़ यार, ए को टिक कर देते या बी को कर देते या सी को या डी को, मतलब तुक्का मार के आ जाएंगे। जो इंटेलिजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, कहेंगे यार छोड़ यार, इस क्वेश्चन से पंगा ही क्यों लेना, जब क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही नीचे कुछ और है तो ऊपर क्वेश्चन कुछ और है, तो उसको छोड़ देते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे ऐसे यार माइनस हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है, हमने जो सही किया वहां से नंबर कट जाएंगे। लेकिन मेरे जैसे भाई चलो तुक्का मार के आ जाएंगे। यहां पे क्या होता है, बेशक आपने तुक्का लगाया हो जहां आपने क्वेश्चन छोड़ दिया हो, लेकिन उस क्वेश्चन के सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो पूरे नंबर है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि आपको जो क्वेश्चन आता है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं उनमें से एक भी करेक्ट आंसर नहीं होता, वहां पे क्या होता है कि उस क्वेश्चन के जो नंबर है वो सभी कैंडिडेट को यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, जिसकी शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ होती है उसको 10 से 15 नंबर उसके यहाँ पे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको बता दूं जिसके नंबर कम है उसको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कम का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 15 या 20 नंबर बढ़ने हैं तो आप समझो कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, भाई जिसके 15-20 नंबर बढ़ रहे हैं उसका कुछ नहीं होने वाला, वो अगले पेपर की तैयारी करे और किसी भर्ती के लिए फॉर्म लगाए, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कम का मतलब ये होता है कि जिसके 50-60 तक नंबर बन रहे हैं उसके चांसेस है कि उसके 70 से 75 नंबर मजे से
बन सकते हैं अगर उसकी शिफ्ट टफ है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आप अपनी स्टेट का नाम और अपने नंबर जो है मैं वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आज शाम तक मैं कट ऑफ के ऊपर जो वीडियो है वो यहाँ पे बना सकूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।